हेलो एवरी वन वेलकम टू प्रिंट सिविल सर्विसज यूट्यूब चैनल आई एम धीरज राजप्रीत एंड एम वॉमली वेलकम यू ऑल टू यट अनदर सेशन ऑफ पॉलिटी थ्रू एम सी क्यूज एज यू ऑल नो दैट इन दिस से पॉलिटी क्वेश्चन आस्ट एन प्रिलिमिन्री एग्जामिनेशन तो इससे पहले ट्वेंटी 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 एंड टू थाउजेंड नाइनटीन के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखें तो प्लीज़ नीचे जाके मैंने एक प्लेलिस्ट के का लिंक दे दूंगा मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ तो आप प्लीज उस पर जाके और पुराने वीडियोस देख सकते हैं सो करेंटली वी आर डिस्कसिंग 2018 2018 में जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे में उनको डिस्कस कर रहे हैं पार्ट वन इज डन टूडे वी आर गोइंग टू डू पार्ट बिफोर स्टार्टिंग एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट प्रिंस कॉलेज इज कंडक्टिंग पी सैट प्रिंस स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट सो ट्वेल्थ के बाद अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सिविल सात मई को एग्जाम होगा ऑनलाइन है तो आप अपने घर बैठे मोबाइल लैपटॉप इससे आप ये एग्जाम दे सकते हो सो गो ऑन दिसक एंड रजिस्टर नाउ ऑल द बेस्ट सो लेट स्टार्ट दिस इज आर सेकेंड पार्ट ऑफ टू थाउजेंड एनिम्स चार क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट वन में लेट्स फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर रेसिडरी पावर किसको दिए रेसिडरी पावर का मतलब होता है की पावर एक तो अलॉट कर रखे आप इन सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हो इन सब्जेक्ट पे आप लॉ बना सकते हो अब कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो नहीं लिखे हैं या फिर टाइम के बाद कोई नए सब्जेक्ट्स इवॉल्व होकर आ गए तो उन्हें कहेंगे रेसिडरी पावर्स यानी उस पर लॉ कौन बनाएगा तो ये रेसिडरी पावर्स किसे दिए थे ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है सो द आंसर इज गवर्नर जनरल सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव गेव रेसिडरी पावर टू द गवर्नर जनरल रेसिडरी पावर का मतलब ये है जो बच गए ऐसे कुछ पावर जैसे कि अभी के टाइम पे सेवेंथ शेड्यूल के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्यूल के अंदर तीन लिस्ट के बारे में बात करता है यूनियन लिस्ट यानी कि यहाँ के जो भी सब्जेक्ट है इस लिस्ट में उस पर कौन लॉ बना सकता है यूनियन यानी कि पार्लियामेंट वहीं दूसरा है स्टेट लिस्ट जिसके सब्जेक्ट पे सिर्फ स्टेट बना सकता है देन आता है एक आपका कंकरेंट कंकरेंट ऐसे जिसपे यूनियन भी बना सकता है स्टेट भी बना सकता है इन तीनों के अलावा अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है आ, या फिर एक नया सब्जेक्ट इवॉल्व आ गया जैसे ये जब बने थे तब तो साइबर सिक्योरिटी क्रिप्टो करेंसी ये सब नहीं थे ये सब उस टाइम पे सब्जेक्ट्स में किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है मैंशन तो अब न्यू टाइम क्योंकि टाइम चेंज हो गया है टेक्नोलॉजी के रेवोलूशन के कारण ये सारे एलिमेंट्स भी आ गए साइबर सिक्योरिटी आ चुका है साइबर लॉस आ गए तो अब ये साइबर लॉस किसके पास रहेंगे रेस्यूडरी पावर हमने किसको दिया है यूनियन को दिया है रेसिडरी पावर वैसे ही

इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट लेट सी द वैल्यू ऑफ दोट ऑफ इच एमएलए फ्रॉम स्टेट टू स्टेट सो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एम एल एज इक्वल टू यानी देखिये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर कौन कौन भाग लेते हैं पहले तो ये बात कर लेते हैं एम एल एज एंड एम पी सो सिर्फ एम एल एज भी कौन से एम एल एज आपके लेजिस्टिव असेंबली के एम एल एज और एम एल ए वही हो गया मेम्बर ऑफ लेजि असेंबली प्लस ओनली द इलेक्टेड वन नॉमिनेटेड वन को हम इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे वैसे ही पार्लियामेंट के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उन्हीं को हम इसमें इंक्लूड करेंगे ना अगर हम वैल्यू की बात करें कि एक एम जब वोट करेगा तो उसकी वोट की वैल्यू कितनी होगी वो कैसे निकालते हैं वो निकाला जाता है उस स्टेट में नंबर ऑफ इन दैट स्टेट अपॉन पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट तो नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं उस स्टेट के अंदर और उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है तो मैं ये कह सकता हूं कि यह पॉपुलेशन ऑफ स्टेट जो है यह वेरिएबल है वेरी करता है स्टेट टू स्टेट इवन ये जो नंबर है एमएलए का ये भी वेरी करता है ठीक है ये भी वेरिएबल है तो क्योंकि ये वेरिएबल है तो स्टेट टू स्टेट एमएलए की वोट वैल्यू में डिफरेंस आएगा यही बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ ऑफ वोट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट यस करेक्ट लेट्स सी द द द वन वैल्यू ऑफ ऑफ वोट फॉर लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ द एम ऑफ राज्यसभा क्या ऐसा है नहीं ये स्टेटमेंट गलत है मैं यहीं पे बता देता हूं आपको कि एमपी की वोट वैल्यू क्या है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक एमपी की वोट वैल्यू क्या है तो एमपी की वोट वैल्यू निकालने के लिए टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल एम एल एस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमपी बड़ा सिंपल सा है टोटल जितने भी एम हैं जो एलिजिबल एम एल हैं इसके अंदर उन सब की टोटल वोट वैल्यू निकाली जाएगी उसे ऐड कर दिया जाएगा और उस टोटल सम को डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ एम के साथ अब नंबर ऑफ एम यानी यहाँ पे हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात कर रहे हैं ठीक है तो एक एम यानी कि एक एम और एक एम की जो वोट वैल्यू है उसकी बाकी सारे एम की वोट वैल्यू से बराबरी होगी भले वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का एम पी के वोट वैल्यूज इक्वल होते हैं एमएलए के वोट वैल्यूज इक्वल नहीं होते हैं ओके सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग वी हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट सो द आंसर इज वन ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ राइट टू प्रिवसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लायटमेंट तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इन्होंने फैक्ट तो दे दिया है राइट टू प्रिवसी पुट्टा स्वामी केस के अंदर ये सामने आया था पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रीविसी इज एन इंटरेंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो ये कौन सा पार्ट है इनमें से जो ये इम्प्लाय कर रहा है डायरेक्टली ये बता रहा है या फिर इंडायरेक्टली बता रहा है कि ये राइट टू प्रीविसी इज पार्ट ऑफ राइट टू

के बारे में कि ये कौन सी कमेटी है जो ये काम करती है कि जो भी उनको पावर्स दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पावर्स दिए हैं कि आप बाई लॉज बना सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हो या फिर सब रूल्स बना सकते हो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हो या फिर पार्लियामेंट ने डेलीगेट किया हो किसको किया हो एग्जीक्यूटिव या को यानी गवर्नमेंट को कई बार हमारे जो लॉज होते हैं वो स्केलेटल फॉर्म में होते हैं ढांचे के फॉर्मेट में होते हैं तो उसके अंदर माइन्यूट लॉज रूल्स हो गए सब रूल्स हो गए ये सब उसके अंदर हम डिटेलिंग नहीं देते लॉ में तो ये सब रूल्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है एग्जीक्यूटिव को तो क्या ये एग्जीक्यूटिव जो इनको पावर दिया है उसे प्रॉपरली यूज कर रही है उसे लिमिट में यूज कर रही है जितना उनको यूज करने के लिए कहा गया है ये कौन सी कमिटी ध्यान रखती है लेट्स सी कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन रूल्स कमिटी बिजनेस एडवाइजरी कमिटी तो इसके अंदर देखिए नाम यहाँ पे आ गया है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन

हाउस में खड़े होके जो भी इंफॉर्मेशन देते यानी उनसे क्वेश्चन आर में जब सवाल पूछा और उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन फर्निश की रिपोर्ट्स फर्निश की या फिर कोई बात कही है ना, है ना जिसमें फैक्ट्स है इंफॉर्मेशन है तो उसे स्क्रूटनाइज करना उसे नोट करना और देखना कि ये सही किया है कि नहीं किया या फिर कई बार मिनिस्टर कुछ एश्योरेंस देते हैं कि हम ये जो पॉलिसी है हम इतने इतने टाइम में इंप्लीमेंट करने वाले हैं या फिर ये चीज़ है ये मैं इतने टाइम में इंप्लीमेंट करने वाला हूँ तो क्या ये चीज़ उन्होंने बोली और की उसे रीजनेबल टाइम में कर दिया कि नहीं किया जितने भी गवर्नमेंट ने अश्योरेंसेज दिए मिनिस्टर्स गवर्नमेंट का पार्ट है जितने भी इन्होंने दिए दिए क्या वो एश्योरेंसेज कंप्लीट हुए या नहीं हुए उनको स्क्रूटिनाइज करने का काम होता है इसका देन रूल्स कमेटी रूल्स कमेटी का काम होता है कि हाउस के जितने भी रूल्स वगैरह हैं जो ऑलरेडी रूल्स हम बना चुके हैं वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं कोई नए रूल्स बनाने हैं तो उस पर डिस्कशन करेंगे ये रूल्स कमेटी हेड कौन करता है ये राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में स्पीकर वो खुद इसे चेयर करते हैं खुद हेड होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं देन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है डे टू डे बिजनेस में काम आती है जैसे कि हाउस आज कौन कौन से बिल कंसिडर करने वाला है कौन से बिल को कितना टाइम दिया जाएगा अगर कोई गवर्नमेंट बिल है तो गवर्नमेंट बिल के केस में चेयरमैन और जो लीडर ऑफ द हाउस है उनसे पूछ के और स्क्रूटिनाइज किया जाता है और फिर चेयरमैन उसे अनाउंस करते हैं कि इसको इतना टाइम मिलेगा ये भी चेयरमैन के अंडर होती है और लोकसभा में स्पीकर के अंडर होती है और जितने भी प्राइवेट मेंबर्स बिल है उनको भी यही अलॉट करती है कि आपको कितना टाइम मिलेगा इस आ, थ्री स्टेजेस होती है उस बिल को पूरा आ, डिस्कस करने के लिए लास्ट में वोटिंग होती है तो इन सब के लिए कितना कितना टाइम मिलेगा कितने दिन अलॉट होंगे ये सब कुछ कौन डिटरमाइन करेगा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी डे टू डे बिजनेस के लिए यही एडवाइस करती है ये कमेटी एडवाइस करती है ओके सो बट इसके लिए हमारा आंसर क्या है बी कमिटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन इसके बारे में अगर आप कमिटीज़ uh, के बारे में डिटेल और जानना चाहते हैं तो आप पार्लियामेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं राज्यसभा की वेबसाइट पर जा सकते हो लोकसभा की वेबसाइट पर जा सकते हो उसमें एक सेक्शन होगा कमिटीज़ उस कमिटीज़ में आप इसके अंडर जो भी इंफॉर्मेशन है दैट यू कैन गैदर सो इसी नोट पे अलाइट माई सेशन एंड आई होप यू लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन टेक केयर एंड कॉल ब्लेस यू ऑल